कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पूरा बिहार अलर्ट पर है। देशस टाइम्स के पटना ब्यूरो के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही राज्य में होने वाली सभी परीक्षाएं भी कैंसिल कर दी गई हैं। बिहार दिवस के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। सभी स्पोर्ट्स और कल्चर इवेंट्स रद्द कर दिए गए हैं। देशस टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कहा है सभी पार्क और जू भी बंद रहेंगे। इस बात का निर्णय एक अन्य मार्ग स्थित सीएम हाउस पर हाई लेवल मीटिंग में लिया गया। देशस टाइम्स ने बताया है कि राज्य के सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी सिनेमा हॉल जू पार्क सभी 31 मार्च तक बंद रहेंगे, लेकिन सीबीएसई की परीक्षाएं जारी रहेगी। वहीं सरकारी कर्मी भी अल्टरनेट तरीके से इस दौरान दफ्तर आएंगे। देशस टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कोरोना को देखते हुए बिहार दिवस जो 22 मार्च को आयोजित था वो भी नहीं मनाया जाएगा। उन्होंने कहा बिहार दिवस के आयोजन को लेकर नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, किसी भी सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। स्कूल बंद रहने के दौरान मिड डे मील की राशि बच्चों के परिजनों के खाते में डाल दिए जाएंगे। कोरोना को लेकर सोमवार को बिहार में फिर समीक्षा बैठक होगी। यह जानकारी देशस टाइम्स की वेबसाइट www.deshastimes.com से मिली है। आज माननीय सीएम साहब के स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है कोरोना संक्रमण के बारे में, और कुछ विशिष्ट निर्णय लिए गए हैं जो आपके आपके नॉलेज में लाना चाहेंगे। एक तो आज के डेट तक 142 मरीज बिहार ने ऑब्जर्वेशन में थे, और उसमें से 73 तो डिस्चार्ज हो गए हैं, मतलब वो ऑब्जर्वेशन से हट गए हैं। बाकी लोग ऑब्जर्वेशन में, मगर आज तक कोई भी कन्फर्म्ड केस नहीं है बिहार में। तो स्थिति तो फैक्चुअल स्थिति है कि आज तक कोई कन्फर्म केस नहीं है, मगर संक्रमण की स्थिति गंभीर है। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में जिस तरह से फैल रहा है, तो यह गंभीर स्थिति है, फैल सकता है और अधिक फैल सकता है इसमें। तो इसलिए कुछ निर्णय लिए गए जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो जितने स्कूल्स कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल सहित जितने भी प्राइवेट हैं, निजी भी और सरकारी जितने स्कूल्स कॉलेजेस हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद रहेंगे। अभी 31 तक का निर्णय हुआ है, 31 तक के लिए। और जितने जो एग्ज़ाम CBSE के हो रहे हैं वो तो अपने होते रहेंगे, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाकी एग्ज़ाम भी वो डिफर करें। बाकी जो लोकल लेवल पर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होंगे या स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, प्राइवेट स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो डिफर करें। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम्स भी नहीं होंगे इस पीरियड में, और 31 तक सारे स्कूल कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। इस पीरियड में खासकर सरकारी स्कूल में जहाँ मिड डे मील मिलता है बच्चों को, तो वह उसकी राशि की गणना करके वह पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो मिड डे मील के लिए उनको आना नहीं पड़ेगा, उसके उसकी जो राशि बनती है उसका गणना करके 31 मार्च से पहले उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दूसरा निर्णय लिया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र भी सारे बंद रहेंगे इस अवधि में, और आंगनवाड़ी केंद्रों में जो दो तरीके का की सहायता मिलती है, जो 0-3 होते हैं और जो लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर हैं उनको तो टेक होम राशन देते हैं, वो तो टेक होम राशन मिलता रहेगा। जो बाकी बच्चों के लिए जो वहाँ पर खाने की व्यवस्था थी उसको भी कन्वर्ट करके गणना करके उनके पेरेंट्स के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस अवधि में। तो आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे और उसमें जो भी उनको फैसिलिटीज मिलती थी खाने के, उसकी गणना करके वह राशि भी उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी बिहार दिवस जो अभी 22 मार्च को होना है उसको तत्काल स्थगित किया जाए, और
संभव है कि फिर अप्रैल में इस पर नया निर्णय लें हम लोग कि कब इस आयोजन को कैसे करेंगे और कब करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि जितने तरह के स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल्स कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं यथासंभव उनको स्थगित कर रखा जाए। जो भी अथॉरिटी जो करा रहे हैं उनको रिक्वेस्ट किया जाए कि वो नहीं कराएं इस चीज़ों को। और जहाँ जहाँ बुकिंग्स होती है जैसे ज्ञान भवन बुकिंग है बापू सभागार बुकिंग्स है जहाँ जहाँ बुकिंग्स है तो सभी बुकिंग्स को रद्द किया जा रहा है। तो जितने इस तरह के आयोजन होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं चाहे कल्चरल आयोजन होते हैं वे सभी नहीं होंगे 31 मार्च तक। तत्काल अभी तक का निर्णय यही है कि 31 मार्च तक नहीं होंगे। उसके बाद फिर जैसी स्थिति होगी हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और निर्णय लेंगे। जो पार्क्स भी हैं सरकारी पार्क्स और जू बोटैनिकल गार्डन वो भी बंद रहेंगे अभी।